আমাদের পুষ্পমাল্য দিই। আমাদের খয়েরপুরের ব্লক সভাপতি আমাদের একজন কর্মীকে ওনার মোবাইলটা দিয়েছিলেন ফটো তোলার জন্য। জো আয়ে হ্যায় ওর আগর কিসি কা নাম মেনে হ্যাঁ আপনে কাউন্সিলর রত্না দত্তা জি আর কিসি কা নাম আগর মে ভুল চুকা হুঁ তো মে মাফি মাংতা হুঁ। আপ লোগ বহুত দূর সে আয়ে হ্যায় ওর ইতনে দের ইতনে ধূপ মে আপ হামারি ভাষা হামারে ভাষণ সুন রহে হ্যায় পহলে মে মাফি মাংতা হুঁ আপকো ইতনা তকলিফ হুয়া ওর মে দিল সে আপকো ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ কি আপ ইয়াহাঁ আয়ে হ্যায়। বহুত বরিষ্ঠ নেতা নে বক্তব্য দিয়া হ্যায় মুঝে ক্যা করনা হ্যায় বিজেপি ক্যা কর রহি হ্যায় উসমে ইতনা ধ্যান নাহি দেকর কংগ্রেস কো ক্যা করনা হ্যায় উসমে মে সির্ফ 5 মিনিট আপকা লুঙ্গা উসসে জ্যাদা নাহি। অভি রাজেশ জি নে কাহা কি ছোড়ো কল কি বাতে কল কি বাত পুরানি ঠিক বোলা হ্যায় রাজেশ জি আপনে। বিজেপি কো জব মে দেখতা হুঁ তো মুঝে লাগতা হ্যায় ওর এক গানা ক্যা হুয়া তেরা ওয়াদা। লেকিন ওয়াদে তো হাম সব দেতে হ্যায় আজ মেরে পিছে হরে কৃষ্ণ ভৌমিক জি হ্যায় রত্না দত্ত জি হ্যায় यहां में राहुल है। ये पहले भी थे कांग्रेस में जब दिलजीत बाबू थे आज यहां में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रद्योत विक्रम किशोर आज प्रेसिडेंट बना है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये जो भवन यहां में है ये जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस पार्टी वाले गोपाल बाबू ने मुझसे पहले गोपाल बाबू को मैंने सबसे पहले 1997 में मैंने देखा था कलकत्ता एयरपोर्ट में महारानी के संग कुछ झगड़ा हो रहा था इनका। तब से आज तक गोपाल बाबू को मैंने दिल से प्यार किया है दिल से आदर किया है क्योंकि वो कांग्रेस के एमएलए हैं सीएलपी लीडर रह चुके हैं पीसीसी प्रेसिडेंट इसके लिए नहीं। इतना अच्छा आदमी आपको नहीं मिल सकता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो जो वो कहते हैं मैं दिल में नहीं रखता हूं मैं दिमाग में रखता हूं क्योंकि जब कोई अच्छा सुझाव देता है तो आदमी को उसको दिल में नहीं रखना चाहिए दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं मानिक्य किशोर देव वर्मा के पास ईगो और अहंकार नहीं। यहां में आप लोग सब का सम्मान होगा ये मैं आपको गारंटी देके मैं बोल रहा हूं मैं गारंटी देके बोल रहा हूं कि आप सबका सम्मान होगा। आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सम्मान रखना है। यहां में जो है उनको सम्मान मिलेगा जो इस मंच में है उनको सम्मान मिलेगा जो आज यहां में नहीं है उनको सम्मान मिलेगा और कल जो बीजेपी सीपीएम और दूसरे दल में है जब वो वापस आएंगे उनको भी हम सम्मान देकर कांग्रेस पार्टी में रखेंगे। बहुत बार पीसीसी प्रेसिडेंट को एक इसके पीछे एक हवा रहता है कि अगर आप पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए तो आप ये राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं यहां में सबसे स्पष्ट रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं मुझे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए मुझे कांग्रेस की सरकार इस राज्य में चाहिए। जिनको
मुख्यमंत्री बनना है वो आकर बने, मुझे सिर्फ कांग्रेस का सरकार चाहिए इस राज्य में। और इसके लिए आपको 2023 तक इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। समझदार को इशारा ही काफी है। कोई कहता है कि प्रद्युत मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हो? आपको समझना है, जिस परिवार से मैं आता हूं, मुख्यमंत्री बनने से क्या मिलेगा हमको? लेकिन जो सैक्रिफाइस मेरे पिताजी ने किया, मेरे मां राजमाता विभु देवी ने किया, आज मुझे मौका मिला है। मेरा उम्र कितना है, मैंने जिंदगी में कभी पावर देखा ही नहीं इस राज्य में। यहां में इतने युवा हैं, किसी का उम्र 25 है, कोई 22 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है, मैं 40 का हो गया हूं। हमने जिंदगी में पावर देखा ही नहीं त्रिपुरा में, तो हम पावर के पीछे क्यों भागे? हमको तो सरकार चाहिए, कांग्रेस का झंडा चाहिए, कांग्रेस आया तो हमारा जिंदगी खुश। कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत आरोप लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है सीपीएम और कांग्रेस का, ये एक आरोप है। आजादी और जब से त्रिपुरा हिंदुस्तान का एक भाग हुआ, सीपीएम पार्टी ने एक परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया। एक परिवार के ऊपर, वो किसका परिवार है? वो मेरा परिवार। कभी वीर विक्रम के बारे खराब बोले, कभी वीरेंद्र किशोर मानेकी के बारे खराब बोले, कभी मेरे पिताजी मेरे मां के ऊपर खराब बोले, हमारे संपत्ति को आप ले लो, हमारे महल को आप ले लो, जमीन को ले लो, हमारे ऊपर प्रचार करो कि राजा खराब था। एक ही परिवार के ऊपर सीपीएम ने हमला किया है। जब राहुल गांधी ने मुझे ये पद दिया है, तो आप लोग भी एक बात समझ लो, सीपीएम से कभी मेरे रहते हुए कभी कोई अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं। सीपीएम अगर के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो प्रद्युत विक्रम माणिक्य किशोर देव वर्मा यहां में नहीं, आपके संग वहां होगा, यहां में मैं नहीं रहूंगा। मेरे रहते हुए सीपीएम के साथ कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। पार्टी में क्या करना है? लगता है कि मैं सबसे बात करूं, ये पार्टी है, ये पार्टी हमारा भवन है, ये हमारा मंदिर। मैं चाहता हूं कि मंदिर में अच्छे लोग आए, यूथ आए, युवा आए, महिला आए, और एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा व्यवहार कांग्रेस में आए। क्योंकि आज अगर हमको इस भवन से बाहर, तो हमको अपना छवि ठीक करना होगा। इसके लिए मैं कहता हूं, मेरे रहते हुए यहां में माफिया नहीं चलेगा, यहां में ड्रग पेडलिंग नहीं चलेगा, यहां में गुंडा नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, हमको अपना छवि ठीक करना होगा। इसके लिए यहां में जो भी है, आप लोग जो भी है, आप लोग समझ लीजिए, जो लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से बिजनेस घर में जाकर पैसा उठाते हैं, मेरे रहते हुए आपको पैसा उठाने का दरकार नहीं होगा। आप सम्मान से काम कीजिए, जैसे गोपाल बाबू ने बोला, सब लोग पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, सम्मान के पीछे भागते हैं। सम्मान आपको इस कांग्रेस पार्टी में मिलेगा। ये होता है। और हमारे पहले जो भी स्पीकर थे, आपने एक दो शब्द कहा, मैं छोटा हूं लेकिन आपको करेक्ट कर दूं, उपजाति शब्द ठीक नहीं है, जनजाति शब्द ठीक है। हम लोग जनजाति हैं, उपजाति नहीं है, हम लोग जनजाति हैं।
जनजाति और साधारण जो यहाँ में बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, कभी हमारे बीच जब राजा रहते हुए कभी दंगा नहीं हुआ। दंगा कब हुआ? जब ये एमएलए लोग आए, इलेक्शन के पहले आपको बांटा, वोट के लिए हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराया, जनजाति को बंगाली से लड़ाया, एससी को एसटी से लड़ाया, कहीं में किसी के घर में जाकर चाय नहीं पीते हैं, मुसलमान के घर में जाकर बात नहीं करते ठीक से। मेरे रहते हुए यहां में जितने भी एससी हैं, मैं आपको बोलता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। मैं दिल से प्यार करता हूं आपको, और आपको एससी कम्युनिटी को त्रिपुरा में सम्मान मिलेगा। रहा बात मुसलमान का, हमेशा मैंने देखा है और मुझे खराब लगता है, हमेशा मैंने देखा है कि एक मुसलमान ही मुसलमान के बारे बात करे। मैं क्यों नहीं बात कर सकता? गोपाल बाबू क्यों नहीं बात कर सकते? हरे कृष्ण भौमिक बाबू बात क्यों नहीं कर सकते? हम सबको अपने भाई के लिए बात करना होगा। जब तक हम आपके लिए नहीं खड़ा होंगे, और जब तक आप जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम हिंदू के लिए नहीं खड़ा होंगे, ये जो बीजेपी है, हम हमारे बीच में भेदभाव करते रहेगा। आप समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आया, उन्होंने इलेक्शन के 3 महीने क्यों लाया? क्योंकि उनको लगा कि अगर देश में पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर उन्होंने आग लगाया, तो आग में सिचुएशन ऐसा होगा कि कोई इस तरफ वोट करेगा, कोई इस तरफ वोट करेगा। हम नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा का विभाजन हो, हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में सब लोग एक संग भाईचारे से जिए। वो पार्टी चाहती है कि अगर कल पाकिस्तान में कुछ हुआ, तो वो आपके घर में आएंगे और बोलेंगे, आप हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ? ये सवाल शर्मनाक सवाल है। हम सब हिंदुस्तान के हैं और हम अपने देश को प्यार करते हैं। कोई हमसे प्रमाण नहीं मांग सकता है। हमारे जो इंडिजिनस त्रिपुरासाज हैं, मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, पिछले 3-4 दिन से मुझे बहुत एसएमएसएस आ रहे हैं, मीडिया भी यहां में है, बहुत एसएमएसएस आ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, महाराजा आपको अब कांग्रेस में है, अब आप हमारे बारे में ही बोलेंगे, अब तो हमको वापस रीजनल पार्टी के पास जाना पड़ेगा, वो ही हमारे बारे बोलेंगे। मैं उनको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं 2003 से कांग्रेस में हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपने त्रिपुरासा लोगों के हित में बोलने के लिए कभी मना नहीं किया। हमने हमेशा जब बात की, सम्मान की और आरक्षण की बात की, हमने किसी के खिलाफ बात नहीं किया। आज मैं प्रेसिडेंट हूं, आपका आवाज रीजनल पार्टी दिल्ली नहीं पहुंचाएगा, आपका जो दर्द और दुख है वो नेशनल पार्टी ही दिल्ली पहुंचा सकता है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं आपके, जो चोट में आते हैं, करबुक में जाकर बोलते हैं त्रिपुरा लैंड, दंडक्षरा में जाके बोलते हैं त्रिपुरा लैंड, अगरतला में आकर कुछ और बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि आपको एडीसी में आपको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन अगरतला में आकर, असेंबली में आकर सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बोली करते हैं। इलेक्शन के पहले ये सब रीजनल पार्टीज आपको जाकर बोलेंगे, हम 20 के 20 सीट में लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि हम 25 सीट में लड़ेंगे, इलेक्शन के 3 महीने पहले बोलते हैं कि 15 सीट में लड़ेंगे, 2 महीने पहले बोलते हैं 12 सीट में लड़ेंगे, 1 महीने पहले बोलते हैं 9 सीट में लड़ेंगे। क्या हो गया भैया? आपने बोली कर दी, रुपया लेकर आपने नेगोशिएशन किया, आपने अपने इंडिजिनस त्रिपुरासा का वोट भी और रिस्पेक्ट भी आपने बेच दिया। ये हम आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारा जो जनजाति है उनको अगर आगे बढ़ना है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप नेशनल पार्टीज को भी देखिए, क्योंकि आपका आवाज आज अगरतला तक नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जो आवाज है, जो त्रिपुरासा का आवाज है, वो दिल्ली पहुंचे,
आज ये अगरतला भी नहीं पहुंच रहा है, कुमरम में बैठ कर रह चुका है। आखिर में बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि क्या होगा कांग्रेस का। मैं चाहता हूं आप सब ये जो जयंता पैलेस का जो गेट है आपके लिए खुला, कोई भी समय कोई भी टाइम अगर आप मुझसे मिलना चाहे, मैं हमेशा यहां मैं रहूंगा। और जो मेरे खिलाफ बोलते हैं कि मैं अगरतला में नहीं रहता हूं, मैं आपको बोलने वाला हूं कि यहां में जो ऑफिस है यहां में मैं आकर बैठूंगा। और आप खुद देखिए कि मैं त्रिपुरा में रहता हूं कि नहीं, क्योंकि यही आपको प्रमाण देगा कि हम आगे वाले दिन में क्या करने वाले हैं। आप सब समझ लीजिए, महिला हो, युवा हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, तिपरासाज हो, चकमा हो, मग हो, मुसलमान हो, एससी हो, आप सबका है ये कांग्रेस पार्टी, किसी एक का नहीं है ये कांग्रेस पार्टी। आपको सामने रखकर मैं प्रेसिडेंट, गोपाल बाबू ने कहा है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमेशा नहीं रहता है। आपका समाज, आपका राज्य, आपका जमीन हमेशा आपके साथ रहता है। इससे ज्यादा मैं जानता हूं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनने के बाद मैंने काम नहीं किया तो त्रिपुरा का जो राज्य, त्रिपुरा का जो जनता है और कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर्स है वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं रहूं। जिस दिन कांग्रेस का सरकार आया, एक समय था कि एक भाषण था चलो पलटाए। मैं जानता हूं मेरा संपर्क है, आने वाले दिन में 2019 में मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं कांग्रेस दिल्ली में आएगी। और उसके बाद चलो पलटाए नहीं, चलो उल्टाए सबसे पहले त्रिपुरा में होगा। और मैं फिर से आखिर में मैं बोलना चाह रहा हूं, जब उल्टाए होगा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन हट जाएगा और उनको बोलेंगे आ जाइए और कांग्रेस को ये स्टेट में लाइए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही इस राज्य में चाहिए। बेलाई बेलाई नो हम भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं 2003 से कांग्रेस में हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपने तिपरासा लोगों के हित में बोलने के लिए कभी मना नहीं किया। हमने हमेशा जब बात की सम्मान की और आरक्षण की बात की, हमने किसी के खिलाफ बात नहीं किया। आज मैं प्रेसिडेंट हूं, आपका आवाज रीजनल पार्टी दिल्ली नहीं पहुंचाएगा, आपका जो दर्द और दुख है वो नेशनल पार्टी ही दिल्ली पहुंचा सकता है। ये जो रीजनल पार्टीज है आपके जो चोट में आते हैं, करबुक में जाकर बोलते हैं तिपरा लैंड, दंडक्षरा में जाके बोलते हैं तिपरा लैंड, अगरतला में आकर कुछ और बोलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि आपको एडीसी में आपको सुरक्षा मिलेगा, लेकिन अगरतला में आकर असेंबली में आकर सब चुप हो जाते हैं क्योंकि ये सब बोली करते हैं। इलेक्शन के पहले ये सब रीजनल पार्टीज आपको जाकर बोलेंगे हम 20 के 20 सीट में लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि हम 25 सीट में लड़ेंगे, इलेक्शन के 3 महीने पहले बोलते हैं कि 15 सीट में लड़ेंगे, 2 महीने पहले बोलते हैं 12 सीट में लड़ेंगे, 1 महीने पहले बोलते हैं 9 सीट में लड़ेंगे। क्या हो गया भैया, आपने बोली कर दी, रुपया लेकर आपने निगोशिएशन किया, आपने अपने इंडिजिनियस की प्रथा का वोट भी और रिस्पेक्ट भी आपने बेच दिया। ये हम आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको हमारा जो जनजाति है उनको अगर आगे बढ़ना है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप नेशनल पार्टीज को भी देखिए, क्योंकि आपका आवाज आज अगर तला तक नहीं पहुंच रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जो आवाज है, जो तिपरासा का आवाज है वो दिल्ली पहुंचे। आज ये अगरतला भी नहीं पहुंच रहा है, कुमरम में बैठ कर रह चुका है। आखिर में बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि क्या होगा कांग्रेस का।